What is up guys, कैसे हो आप लोग? So today is a Saturday morning. It's kind of getting very hot here. Delhi NCR is almost like 37-38 degrees Celsius. So I thought why not go for a one nighter because you don't have leaves from office. So make the most of Saturday and Sunday. So I will be riding my Tiger 900 Rally Pro this time around. It's been some time that we have ridden this machine. So it is almost 5:30 a.m. I am about to start. That was my scheduled start time. I'm supposed to meet the other three guys on the highway at around 6:45. 1 hour from here. So it's time to get started on the Tiger. The light was switched off by the guard. It's already 5:45 a.m. So get this thing out, switch it on, and let's go. Long ride, baby. Not a breakfast ride after a long time. The only problem that we normally see when we are starting from a ride from Greater Noida is I would like to take an expressway, the Eastern Peripheral Expressway, to reach that point, but the bikes are not allowed fully. That's what I can say. But anyways, let's get started. I just wanted to feel this while the afternoons are pretty hot, this time of the day is just amazing. And the mesh in my jacket is just allowing all the air to freely flow through to my body. I just hope we get an entry into the Eastern Peripheral Expressway by hook or by crook. Shouldn't be more than 30-35 minutes. Let's see. If you are a motorcyclist, then I don't think you need anything more than this in your life. Riding on the highway, your motorcycle set on cruise control, 6 gear, 94 km/h. A sunrise is about to happen from somewhere on the right. This is just one love, all we need. देखते हैं एक्सप्रेस वे से बाहर एंट्री मिलती या नहीं मिलती। बहाना सोच लेता हूँ यार, क्या करना है। इधर तो साली लेन मिलती है साइड में बाइक निकालने के लिए, क्या बात है। So ये है वो दो प्राणी जो जाने वाले हैं हमारे साथ। चौथा प्राणी इज ऑन सुपर मीटियोर। कहाँ है प्राणी? प्राणी मोरा, क्या नाम है यार उनका? विश्वास। विश्वास आपके साथ है ऑफिस में? विश्वास सेल्स प्लानिंग का इंचार्ज है। तुम इससे जरा बात करोगे ना तो सब इंडस्ट्री वेरिएंट्स, प्राइसिंग, प्राइस ब्रैकेट, अरे वाह, प्राइस वॉक, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब सारी सारी सेल्स टर्मिनोलॉजी मैं भी सीखूंगा थोड़े से, सेल्स ऑपरेशंस। लाइक और तू पहले रॉक स्ट्रैप लगाना तो सीख ले। यार रॉक स्ट्रैप तो नहीं लग पाती यार मेरे से। अच्छा लगा? अरे मैं वीडियो बना रहा था ना। यार और राइड करने में ना वो ज्यादा फिर फंस जाता है। याद है जंस्कर वाले में वो कैसे चुप कर यार, राइनॉक्स आगे बढ़े जा रहा था, मेरी बुंड में घुस गया। याद है तेरे को? अब ठीक है, अब फिर भी ऐसे तो दिस विल नॉट मेक इट, वो पीछे वाला रोक में। चलो चलें क्या? अब पहला वाला स्टॉप कहां लेना? भाई ब्रेकफास्ट के लिए बीच में जगह आती है जहां पे चाय का नुक्कड़ आता है। आई ओनली नो चीतल। चीतल पहले वो आता है, वो पुराने हाईवे पे था, उन्होंने नया बनाया, नमस्ते मिट गया है मैकडॉनल्ड्स और उसके आसपास। बहुत सही चाय मिलती है, तो चाय पीते हैं। हां क्यों नहीं पीता युद्धवीर, आप चाय पीते हो ना? नहीं नहीं तो फिर क्या सुट्टा मारोगे? नहीं मतलब जहाँ रुकेंगे वहाँ चाय तो पी लेंगे। नमस्ते वेडवे जो आता है वहाँ पे एक चाय का नुक्कड़ है, बहुत अमेजिंग, वहाँ पे रस बस चाय वाय मिलती है। बहुत घटिया जगहों पे रुकता हूँ। नहीं आपको अच्छी वाली जगह पे रुको, मतलब मैं अपने आप ही घटिया जगह पे रुक जाता हूँ। मेरे बाइक वहीं रुकती है जहाँ बिल्कुल। तो नमस्ते वेडवे रुकेंगे, मैं बता रहा हूँ बहुत बढ़िया जगह। हाँ सब है, लीड करेगा? लीड मैं धीरे धीरे चलाऊंगा लास्ट में सबसे। अब तुम इनके पीछे चलाइयो। मैं तो मैं नहीं चला रहा पीछे इनके। पीछे चलाने में प्रॉब्लम नहीं? नहीं अच्छा पीछे चलाने मैं नहीं तो मैं कहाँ चलूँ? फर्स्ट कौन चलेगा? फर्स्ट युद्धवीर को ही चलने दो। अरे उनको जब पता ही नहीं है यार तो उनको आगे चला के क्या फायदा है? अबे बहुत दूर है नमस्ते विडवे अभी। कितना है आफ्टर व्हाट, 2 hours 1 hour? 1 hour, 1 hour फ्रॉम हियर, दैट्स इट। 1 hour। मैं जीपीएस जीपीएस नहीं ऑन कर रहा। कोई जीपीएस की जरूरत नहीं है यार। ये बैग कौन सा लगाया तूने? डर्ट सैक मैक्स मॉड एक्सोर व्हाटएवर बैग।
एक्सोर हाँ ये 40 लीटर्स है वाटर प्रूफ है एंड आई थिंक ये मॉस्को का रेप्लिका होता है ये मैंने इतना बोलने को नहीं बोल मतलब बोला नहीं था फ्री में है क्या इस रोड पे दुनिया में कोई भी कहीं से टपक जाता है इसको कोई है ही नहीं वही तो यार हट जाओ ए इस रोड पे धीरे ही चलेंगे यार हाँ धीरे ही चलो पहले मैं कैचअप तो कर लूँ ये देखियो कैसे क्रॉस कर रहा है आमजा देखो हाँ वैसे बीच में आके जो खड़े हो जाते हैं ना ये भाई ये बहुत डेंजरस होते हैं मतलब आप मिड लेन में ओवरटेक कर रहे हो बीच में एक बंदा वेट कर रहा है आधी लेन क्लियर होने का यार जसवीर वहां तो ठंड लगेगी यार मैं तो कुछ भी नहीं लाया अबे कोई ठंड नहीं लगेगी मुझे तो यहाँ ठंड लग रही है ये मैच जैकेट में मजा आ रहा है यार हल्की हल्की सर्दी आ रही है अंदर ना सर्दी आ रही है ठंड लग रही है मेरे को पैरों में भी ठंड लग रही है डोंट एक्ट लाइक अ पुसी ओ हो हो व्हाट अ फील मैन सही है भाई एक साल में मेरी टाइगर सिर्फ 5000 किलोमीटर चली यार कुछ तो चला लूं मैं इसलिए लेकर आया हूं नहीं ठीक है यार जो चलाने का मन करे वो चलाओ इट इज अ राइट यार मतलब कोई फॉर्मेशन में कोई वो थोड़ी है ये हम उसमें रिपब्लिक डे परेड में तू ऐसा को लग रहा है युद्धवीर की गुस्सा हुआ बिल्कुल चिपक के नहीं मतलब काफी डिस्टेंस है अच्छा स्टैगर्ड भी है हां स्टैगर्ड तो है हां 3 बाइक लेंथ एक तो पीछे कर लेता हूँ और एरोडायनामिक हो जाऊंगा माइलेज ज्यादा मिलेगी ड्राफ्टिंग कहते हैं ना साइकिलिंग में ड्राफ्टिंग साइक ट्रक के पीछे चलाओ या बस के पीछे चलाओ मैंने कभी बाइक पे सोचा नहीं ड्राफ्टिंग के बारे में होती है ड्राफ्टिंग में बहुत होती है बिकॉज़ आई एम यूज्ड टू राइडिंग मोटरसाइकिल्स व्हिच हैव अ फंक्शनल विंडशील्ड नॉट लाइक बुलशिट ऑन द हिमालयन हां तू तो बोलेगा ही भाई अब आई थिंक यू हैव बीन पेड बाय बजाज यस 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 बजाज ओन्स मी नाउ डिजिटल राइट्स क्या बात कर रहे हैं हिमालयन की अच्छी तो है यार फ्रंट ब्रेक अब बहुत अच्छी है बहुत ही अच्छी है लेकिन पता नहीं ऐसे क्यों लगता है कि लुक नहीं उन्हें उसके ऑपरेशन कर दिया ना मेरे को लगता है तगड़े वाले मेजर नहीं नहीं अरे युद्धवीर धीरे चल रहे हैं वो तुम्हारी वेट कर रहे हैं मेरे से सुपर मीटियोर यार सुपर मीटियोर मेरे पीछे थी आ रही है मेरे को लाइट तो दिख रही है उसकी एक अलग से चमकती हुई एलईडी यार एक क्लासिक खरीदते हैं यार यार मेरा तो बड़ा मन है यार और फिर ना ऐसे युद्धवीर का जैसे बैग है ना इस कलर का सेम ऐसे साइडल बैग लगा के ओहो हो सिंगल सीट साइड में साइडल बैग लगे हुए हैं एक लद्दाख का ट्रिप डुक 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 मेरा मेरी और युद्धवीर की तो बात होती रहती है कि हम एक स्टैंडर्ड पे करेंगे हां किसी पे भी बुलेट बुलेट मतलब टाइप की जो थी ना बिल्कुल सिंगल और ये फैंसी राइडिंग गियर पहन के नहीं जाएंगे जीन्स जैकेट बूट्स हां और एक सिगार जलाएंगे है ना हर जगह फोटो पे सिगार तो मैं पीता नहीं यार और मैं भी नहीं पीता ना बट ऐसा लगता है कि ऐसी बाइक चलाने के बाद ऐसा एक फोटो खींचनी चाहिए सिगार पीते हुए वो बड़ा वाला मोटा ऐसा वाह 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 बोलते हुए मैं ले लियो तो मोटा वाला बड़ा वाला राउंड राउंड चश्मा पहन लो चश्मा चलें 20 मिनट में आ जाएगा वो नमस्ते विड तूने इतना बड़ा फोन लगाया हुआ है तेरे से मैप नहीं लगता साले मुझे लगा कि तुम चल रहे हो मैं को पता मैप लगाओ कहां क्या लगाना है ले लैंड ऑर ठीक है भाई लैंड ऑर लगा वहां चाय पिएंगे रस मिलता है बढ़िया रस चाय पकौड़े जो भी खाना है खा लो और साइड में कैवेंटर्स भी है सबसे अच्छी बात ओरियो शेक पीने के लिए आई थिंक मैं सोच के आया था 1-2 किलो वेट कम हो जाएगा 90 प्लस चल रहा हूं मैं अभी यार वी आर बर्निंग कैलोरीज लाइक एनीथिंग व्हाइल राइडिंग मोटरसाइकिल्स दैट्स व्हाट वी लाइक टू से राइट व्हेन वी कॉल मोटरसाइकिलिंग एज स्पोर्ट भाई थोड़ी आगे बढ़ा ले हाईवे पे इतनी धीरे चल रहे मरे के क्या गाड़ियां पीछे छिपी हुई है I am just following the Hero Honda Splendor. Hero Honda Splendor. Hello, hello, hello. Alpha to Delta. हाँ बोल ना. और Super Meteor भी पीछे नहीं है भाई. सात
पे मत बोल यार, आगे चल रही है। हाँ आगे निकल गई यार ये तो। It's difficult to catch the Himalayans. I love the Himalayan, but I'm not riding one. ये बर्गर की है ना किंग है ना, 8 minutes away. इसके आसपास ही है। हाईवे में 8 मिनट ये किलोमीटर के हिसाब से होता है या फिर ये इनका फेक प्रॉमिसेस है सालों के, 8 मिनट दूर, 5 मिनट दूर, जस्ट 5 मिनट, जस्ट 2 मिनट, साला 2-2 घंटे में आते हैं। ये सौ की स्पीड के हिसाब से बनाते हैं। हाँ मुझे लग रहा है। और इस हाईवे में वाले ढाबे भी तो आते हैं जिसमें बंदे की शक्ल बनी होती है, पंडित जी का ढाबा, शिवा ढाबा, ये ढाबा, अपना पोस्टर ऐसे लगाते हैं जैसे भाई पता नहीं क्या ही है ये लोग, विधायक है। कभी पेरेंट्स के साथ आ जाइए, वो पागल हो जाते हैं ऐसे ढाबों पे खाने के लिए, उसी में खाएंगे। ये एम आ गया ना, एम, एम फॉर मैकडॉनल्ड्स। यार इंडिकेटर दे दिया लेफ्ट का, जहाँ लगाऊंगा ना वहाँ लगाई भाई, मस्त एकदम। अंदर नहीं जाएगी? अंदर जाएगी पर अंदर से बैटरी यहाँ लगाएंगे। अब इधर लगाएंगे, देखना ये जगह हमारी यही है यार, उसमें बाइक पे सवार तो है ना। अबे यहाँ बैठेंगे हम, देख इधर कितनी भीड़ में। देख भीड़ देख रहा तू, जगह देख रहा तू, चाय पे कौन पी रहे हैं यहाँ पे लोग इतने। दिस इज द चाय का नुक्कड़। बट यार यहाँ पे आज मैक्सिमम भीड़ है, मैंने इतनी ज्यादा भीड़ वैसे कभी देखी नहीं है। नहीं मैं ये लूंगा, ये जीवन असली ओरियो शेक। यार पर ये सुपर मीटियर वाला बंदा चला सही रहा है भाई, कहाँ है हमारा दोस्त। अच्छा लैंडोर का 4 घंटे दिखा रहा होगा ना। हाँ देहरादून तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे यार यहाँ से। चलो इट्स 9:10 एंड वी आर जस्ट अबाउट 2.5 hours अवे फ्रॉम देहरादून। ट्रैफिक ऑन दिस हाईवे इज एज एक्सपेक्टेड, खत्म ही नहीं हो रहा है ट्रैफिक, हाईवे वाली फील ही स्टार्ट नहीं हो पा रही। और ये भाई हट जा, हट जा। वैसे भी तो बल्किंग कर रहे हैं यार, कैसे पतला होगा यार, जैसे भी होता मैं पतला मुझे लगता है। मतलब कोई है ही नहीं सेल्फ रिस्ट्रेंट, मतलब बंदा अपना अंडे के बारे में सोच रहा है कितने अंडे डालेंगे ऑमलेट में, और मैंने ओरियो शेक बोला तो ओरियो शेक चालू। यार एनर्जी तो चाहिए ना यार बाइक चलाने के लिए। चुपचाप से मैं चाय पी लेता, एक अच्छे से चाय पी लेता, आंखें थोड़ी खुलती, परमानेंट बंद करने का तरीका बता दिया। स्वाद है यार पर वो जैसे, नो डाउट अच्छा था, बट थोड़ा सा जेनेरिक सा ही लग रहा था यार, इतना स्पेशल नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, तेरा तूने पाइनएप्पल शेक पी लियो। ओहो आगे खुल रहा है। हाँ। इन नैरो स्ट्रेच है ना यहाँ पे एक। हाँ। ब्रिज के ऊपर। यप। चला भाई लूना अपनी हीरो पुक। हीरो पुच। पुच पुच सही। ये क्या है, नदी है क्या, पानी है क्या, गोलगप्पे का पानी है? ठीक है देख ले। देख जरा कलर देखियो। टेस्ट तो वैसे ही होगा इसका। हाँ। बस थोड़ा सा टॉक्सिक होगा और मर जाएगा। भैया सॉल्ट सॉल्ट डालना थोड़ी सी। इतनी तेज नींद, इतनी तेज नींद, अरे मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, मेरी आंखें बंद हो रही थी यार, मैं बहुत ज्यादा नींद में था, बहुत, मतलब आई कांट टेल यू, मेरी आंखें बंद होने लग गई थी, मतलब मैं सोने लग गया था ऑलमोस्ट।
रेडार्स लगवा लेना हिमालयन में। हाँ सर, रेडार्स और रेडार सिस्टम KTM में तो आ ही रहा है नई वाली 1290 सुपर सुपर एडवेंचर। 1290 थोड़ी है, वो 1390 हो गई है शायद। 1190 होती थी, 1290 हो गया, 1390 हो गई है। हाँ अरे बढ़ाए जा रहे हैं, 100 सीसी बढ़ाते, 50 है नाम, 100 सीसी बढ़ाए थे। हाँ भाई कहाँ पहुँचेंगे और किसको चाहिए वो परफॉर्मेंस। KTM के सीसी ऐसा लगता है सैमसंग की सीरीज का नाम है, S23 S24। मुझे लगता है पहले ना पानी पीना चाहिए, वी आर डिहाइड्रेटिंग। We are now just crossing Haridwar. Maps में ना थानो वाली रोड डालो, थानो वाली रोड THANO जो अंदर से जाएगी फॉरेस्ट रिजर्व में से। थानो थानो THANO डालो, आगे एक फ्लाईओवर आएगा उसके नीचे से राइट लेना, हमने पूरे हाईवे पे नहीं जाना, अंदर बिल्कुल कवर्ड एरिया आएगा थानो वाला। आगे वो राइट टर्न। हाँ वो आगे है राइट टर्न, पीछे से लेफ्ट मुड़ती है ना एक रोड। नहीं नहीं वो अलग है शायद, वो चिल्ला विल्ला वाली होगी शायद, चिल्ला वाली तो लंबी पड़ती है, पर यहाँ से अभी हाईवे में एक थानो वाला रास्ता आता है राइट जाने का। अच्छा तेरे को पता है कुछ लोग ऐसे भी होते जो इस बात पे प्राइड लेते हैं कि हमारी बाइक सबसे ज्यादा चली है, ऐसा भी? हाँ कई लोग लेते हैं, नई बाइक आते ही उनका कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है कि भाई मेरी बाइक इतनी चली है, मेरी बाइक इतनी चली है। हाँ कई लोग करते हैं, उनको ये होता है कि भैया मैंने तो एक साल में 25-30 हज़ार चला दी। हाँ क्योंकि तुम्हारे पास नौकरी वोकरी कुछ है नहीं। हाँ यहाँ साले वो है वो इन्फ्लुएंसर। ये देखो तनस्तर बजते हुए जा रहे हैं आगे। तनस्तर बजते हुए जा रहे हैं मतलब वो बर्तन नहीं बजते जैसे वैसे आती आवाज रॉयल एनफील्ड। बहुत तेरी बाइक वापस करवा दो सबसे पहले भाई, ये हमारी पर्सनल कन्वर्सेशन है यार, क्या बात कर रहे हो भाई, दैट इज सो गुड फॉर ऑफिस कम्यूट, मैं ऐसे लेके गया हूँ एक दो बार, मजा आता है। नहीं वैसे सच्ची में यार मेरे को तो बड़ी लाइक आई एम मोस्ट इन ट्यून विद दिस बाइक नाउ। जो बंदा जो चलाता है उससे इंट्यून आ जाता है, बट मैं मुझे फिर भी लॉन्ग ट्रिप पे ये प्रेफरेबल है। अच्छा अंटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही टेक्निकल गंदा वाला ऑफ रोड ना हो। हाँ उसमें तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं ले जाऊंगा, हिमालयन ले जाऊंगा भाई, कैसे ठुकी पड़ी थी यार वो। हाँ यार तो क्लियर है, आगे से बस राइट लेना है घुमा के इसके नीचे। हाँ। तू आगे आगे उनको बता दे भाई सुपर मीटियोर कहां है। व्हाट अ रिलीफ, ऐसा लग रहा है वो नैनीताल के पहले पहले आती ना, वो क्या कौन सा एरिया आता है भाई, मुझे तो बस नेपाल नजर आता है लोग हर जगह पे, ये नेपाल जैसा ही लग रहा है जैसे नेपाल। आए है, मैं यार मैं आज वो पहनना भूल गया, वो विदाउट सीम वाला कच्चा डीकैथलॉन का, एकदम गड़ना गड़ रहा है मुझे। तो तू वी शेप वाला पहन के आया फिर से? गलती से पहन लिया सुबह, ये क्या गड़गड़ गड़गड़ मोटर जा रही है काम। भाई साहब को देखो कैसे चल रहे धीरे से, लिटरली डाकिया लग रहा है मेरे। क्या मस्त सेक्शन आ रहे हैं यार। सुपर मीटियर तेरे साथ ही है? हाँ पीछे ही है कुत्ता। क्या कुत्ता है रोड पे? नहीं यार एक बंदा ओवरटेक कर रहा था I-20 वाला, उसको स्कूटी उसके साइड से भी ओवरटेक करके मेरे सामने ही आ गई साली, ऑलमोस्ट डबल ओवरटेक, दोनों ने हेलमेट नहीं पहनी थी स्कूटी पे सालों ने, कुत्ते कहेंगे। ऐसे होता है भाई। वाह व्हाट पंच, मुश्किल ही लगता है मुझे। थनोल्टी स्ट्रेट सस्ते ज्यादा मसूरी लेफ्ट, हमें तो सीधा जाना है, नहीं लेफ्ट जाना है, गंगोत्री चल लो यार सीधे। मैं तो तैयार हूँ भाई। हाँ वापस चाचा आएगा ना तुम्हारा। मैं तो थनोल्टी भी गया, वो थनोल्टी भी अच्छा है। हाँ थनोल्टी भी सही है, काफी हाइट पे जा गया। अच्छा इधर चले गए ना तुम लोग लेफ्ट लेके। लेफ्ट लेफ्ट युगवीर की वेट कर लियो, मना गाली देके। वो डाकिया मेरे आगे है। अच्छा ऐसा है क्या? यार ये बंदा खड़ा हो गया, मुझे डर लग रहा है वैसे, मैं भाग रहा हूँ उसके आगे। मच्छर की तरह खड़े हो जाते हैं बाइक पे यार। यार युगवीर बाइक पे खड़े हो या बैठे हो फर्क थोड़ी पता चलता है।
बस दो कोनिया दिख के साइड से निकली हुई हूँ और वो भी यूं ऊपर नीचे हो रही होती है। तुम्हारी रेंज कितनी दिखा रही है? रेंज हिमालयन बॉयज 235, मेरी 129। भाई 20 की एवरेज दे रही है भाई, हमारी तो 30 प्लस, मेरी 30 की, इनकी 36 की। होता है यार, होता है सर, आई अंडरस्टैंड। What is this, Jasmin? This is a hydration break. This is a low-calorie mango shake with some ice cream. It's loaded with toppings. ये क्या है ये? साले 1500 कैलोरी है ये. This is extra large with drink. Extra large with drink. मैं इससे पूछ रहा हूँ ये extra large इतने खाने के लिए मांगा है कि लेने के लिए मांगा है? Brand एक glass की. Eugene. बंद कर दे अब. पी ले. यार कैसे पीऊँ मैं? Helmet को. क्या ढीली हो गई आपकी? क्या ढीली हो गई? पेपर से यार। कौन सी बाइक चला रहे हो? हिमालयन। अब मैं पैसे से ली थी ना? अब मैं कहीं पार्किंग, मैं कहीं भी रेड लाइट पे इंजन ऑन नहीं छोड़ सकता। यूजिंग क्लास। ओह माय गॉड। और भैया आपका क्या है? मिक्स फ्रूट, मिक्स फ्रूट। टेस्ट ट्यूब टाइप है यार। मिक्स फ्रूट। ये कितने का ग्लास है यार? 80 रुपए में तो यार स्टील है यार एक ग्लास, इनके मुंह से बड़ा तो इनका ग्लास। आजा थोड़ी सी स्पीड मारे। चलो मान लो यदवीर को ओवरटेक चढ़ जाए। कल वी डिड दिस क्लाइंब, क्लाइंब इज द राइट वर्ड अभिनव अकॉर्डिंग टू यू? असेंड। असेंड मेरे हिसाब से असेंड होता है, ये क्लाइंब बोलता है। एनीवे क्लाइंब एंड असेंड। Ascend from Dehradun to Mussoorie. Road conditions are perfect, near perfect, flowing sections, है ना? तो उसमें I was unable to catch up to the Himalayan 450. No, I wouldn't say it was catch up. There is a variable also. ये बैठे कहाँ हुआ आप ये? मतलब क्या? वो science museum में जो सिर्फ मुंडी निकाल के experiment होता? नहीं, this is morning Malasan.